पिछले वीडियो को ही जारी रखते हुए उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 की मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। उस संधि में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया था, लेकिन अंग्रेजों के लिए यह संधि एक तरह का सिर्फ युद्ध विराम ही थी, क्योंकि अंग्रेज अपनी पराजय का बदला लेना चाहते थे और वह उचित मौके की तलाश में थे। इसलिए उन्होंने कभी भी अपनी मद्रास की संधि का पूरी तरह से पालन नहीं किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत में अंग्रेजों का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। 1771 में अंग्रेजों ने मराठों के विरुद्ध हैदर की सहायता नहीं की। हैदर अली ने अंग्रेजों पर आरोप लगाया कि वह संधि के मुताबिक उसे सहायता प्रदान नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजों ने देखा कि जो फ्रांसीसी है, हैदर ये मानता था कि अंग्रेजों के बनिस्पत फ्रांसीसियों पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, इसलिए हैदर को अपना जो भी सैन्य साजो सामान सामग्री जैसे बंदूकें हैं, तोपे हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, उनके लिए वह फ्रांसीसियों पर ज़्यादा विश्वास करता था। और फ्रांसीसियों का जो एक बंदरगाह था माही, वह माही बंदरगाह से भी उसका काफ़ी कुछ उस जो सैनिक साजो सामान था वह हैदर अली को फ्रांसीसियों की सहायता से प्राप्त होता था। अंग्रेज इन हैदर और फ्रांसीसियों के गठजोड़ को शक की निगाहों से देखते थे। इसी बीच में क्या हुआ कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया और उस स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी जो है वह अमेरिकनों का सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए अंग्रेजों को शक था कि हो सकता है कि फ्रांसीसी जो है वह यहाँ पर भी अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर को सैन्य सहायता देकर उनके खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि हैदर के अधीन आने वाले उस माही बंदरगाह को जीतने की कोशिश की, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा सैन्य साजो सामान आने का मार्ग था। इसलिए एक तरह से प्रथम संधि भंग हो गई और अंग्रेजों और मैसूर के बीच में दूसरा युद्ध प्रारंभ हो गया। हैदर ने अंग्रेजों के खिलाफ निजाम और मराठों को अपने पक्ष में करके एक गुट का निर्माण किया जिसमें हैदर अली, निजाम और मराठे शामिल थे। इसके पश्चात जुलाई 1780 में हैदर ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कर्नाटक पर आक्रमण करके वहां पर जो कर्नल बेली के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना थी उस सेना को हराकर कर्नाटक की राजधानी अरकाट पर अधिकार कर लिया। इस बीच में अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए निजाम और मराठों को हैदर से अलग कर दिया। इस प्रकार हैदर अली अकेला हो गया, लेकिन हैदर ने इसकी से भी हार नहीं मानी। नवंबर 1781 एक झड़प हुई जिसको पोर्टो नोवा का युद्ध कहा जाता है और उस युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ, लेकिन फिर भी हैदर अली ने अपना संघर्ष जारी रखा। 1782 में हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को हराया और कर्नल ब्रेथवेट को गिरफ्तार करके उसको युद्ध बंदी भी बना लिया। बदकिस्मती से 7 दिसंबर 1782 युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर की मृत्यु होने के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना, जिसने अगले 1.5 वर्ष तक यह युद्ध जारी रखा। दोनों पक्षों ने देखा कि कोई फायदा नहीं हो रहा है, अतः दोनों पक्षों ने आपस में समझौता करके मार्च 1784 में एक संधि की जिसको मंगलोर की संधि कहा जाता है और इस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को आपस में लौटा दिया। इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 में प्रारंभ हुआ और मार्च 1784 में मंगलोर की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।